होटल पुष्प पूरा कोहरा लगा हुआ है यहाँ, इस वजह से ये टनल ई बाजी किस जगह चलो राधे राधे। हाँ कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का देखो, सुबह का अर्ली मॉर्निंग व्यू मैं आपको बता रही हूँ। जय बद्रीनाथ जय बद्री विशाल। तो हम लोगों की यात्रा निकल चुकी है आगे, देखते हैं कितने बजे तक हम लोग बद्रीनाथ जी पहुँचते हैं। तो श्रीनगर से हम लोगों ने अपनी यात्रा का दूसरा दिन प्रारंभ किया है। सामने देखिए यहाँ श्रीनगर में अर्ली मॉर्निंग कितना ज़्यादा फॉग है, ये देखिए पूरे पहाड़ों पे फॉग ही फॉग है, आधा पहाड़ आधा फॉग के। यहाँ से अभी मैं सुबह आपको धारी माता के दर्शन करा रही हूँ। तो अभी हम लोग पहुँचे धारी देवी धारी माँ, और गंगा जी देखिए गंगा जी कितने नीचे, इसलिए हम लोग कल रात में गंगा जी नहीं गए क्योंकि पानी काफी नीचे था ना। तो देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, माँ भगवती बहुत सुंदर जगह पे मेरी माता रानी, और दीदी को देखिए माता रानी देख रही है अपने भक्तों को आते जाते। सामने पहाड़ों का खूबसूरत सा नजारा देखिए, कितने ऊंचे ऊंचे कितने बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे, और रोड के हाल देखिए जरा बाबा। ये अभी हम लोग श्रीनगर से थोड़ा आगे आए, वहां पे है ऐसी रोड आगे तो पता नहीं कैसी होगी। तो हम लोग सिरोबगढ़ में पहुंचे जहाँ पे रोड टूटती रहती है, और उधर जो सामने आपको रोड दिख रही है उधर वो बाईपास बन रहा है सिरोबगढ़ वाला, तो यहाँ से हटके उधर से जाएंगी गाड़ियाँ। हमारी यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, और पीछे देखिए आज फुल पैक हो रखे हैं सब, सारा बिल्कुल बीच में छुपी है। हाँ कान्हा देखो, कान्हा जी तो सारा की गोद में बैठे हुए हैं। और बच्चू ये वाला जो रास्ता जा रहा है गुप्तकाशी गौरीकुंड और केदारनाथ जी के लिए चला गया, और हम लोग इधर से निकल गए हैं बद्रीनाथ धाम के लिए, और नीचे जो रास्ता आपको दिख रहा है नीचे वो हमारे केदारनाथ भगवान जी के लिए चला गया रूट। हम लोग यहाँ भी रुद्रप्रयाग में, और अभी टाइम हो रहा है 6:42, तो हम लोग 6 बजे निकले थे वहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है रुद्रप्रयाग भी, छोटा नहीं है। यात्रा का जो पहला पड़ाव यहाँ से शुरू होता है श्रीनगर के बाद, तो रुद्रप्रयाग ही पहला है। और मकान देखो कितने अच्छे अच्छे मकान यार यहाँ पे ऊपर ऊपर तक, बाप रे बहुत सुंदर सुंदर मकान बना रखे। साइड साइड से होटल देखिए कितने अच्छे अच्छे होटल बने हैं यहाँ तो, अरे बाप रे ये सामने कितना बड़ा होटल है, ये मंदाकिनी होटल, ये मंदाकिनी होटल देखिए कितना बड़ा होटल है, ये होटल पुष्पदीप ये भी बहुत बड़ा होटल है, ये वाला होटल देखिए होटल पुष्पदीप। तो फ्रेंड्स ये देखिए आर्मी वाले कैसे भाग रहे हैं, ये मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का चल रहा है उनका जो मॉर्निंग रूटीन होता होगा ना। ये देखिए यहाँ रुद्रप्रयाग में ये है आर्मी कैंट, ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग रुद्रप्रयाग में ही है, ये रुद्रप्रयाग बहुत बड़ा है, यहाँ संगम भी है। तो हम लोग हैं अभी रुद्रप्रयाग संगम में, और संगम है नीचे। तो रुद्रप्रयाग जो है कि पंच प्रयागों में से एक है आप सबको पता है, और यहाँ पे होता है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम। कितनी अच्छी रोड बन गई, कहीं कहीं पे है थोड़ा बहुत, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यह पूरा कोहरा लगा हुआ है यहाँ। देखो नक्शु सारा देख बेटा, ये कब देखोगे तुम लोग। हाँ देखो ओ क्या नजारा है यहाँ का यार, जय भगवान बद्री विशाल। स्वर्ग में चल रहे हैं इस समय हम, अब बादलों के बीच चल रहे हैं स्वर्ग भी। हम लोग गौचर पहुंचने वाले हैं, और गौचर से पहले देखिए रोड बुरी हाल है, ये ऊपर से आया ना मलबा दोबारा, कितनी ऑफ रोड हो रखी है यहाँ पे तो, और नीचे देखिए कितनी गहरी घाटी है, माई गॉड। और सामने देखिए पहाड़, घाटी नहीं देखना बस पहाड़ देखना, फिर डर नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा अल्मोड़ा, यहाँ से 169 है ग्वालदम 81 और कर्णप्रयाग अभी 74 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो हम लोग पहुँचे हैं जिला पंचायत चमोली में, पहुँच चुके हैं हम चमोली में, हमने एंटर कर दिया। हम लोग रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से निकल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आ गए। रुद्रप्रयाग के बाद जो है कि गौचर ही एक बड़ा हिल स्टेशन है यहाँ पे। गौचर नाम कितना प्यारा है ना इसका, गौ अर्चर, वो फ्लाइट भी चलती है यहाँ से, यहाँ एयरपोर्ट भी है। ये गौचर का मार्केट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाम है, इसका मतलब यहाँ पे बस वगैरह रुकती हूँ। ठीक है गौचर भी बड़ा है नी, छोटा नहीं है। तो मैं जो है श्रीनगर से पहली बार आई हूँ इधर को, श्रीनगर क्रॉस करके अच्छा लगा इधर से, काफी अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, बीच में गाँव है, और बीच में देखा आपने कितना ज्यादा कोहरा था, यहाँ कितना क्लीन है, अलग अलग तरह की जो प्रकृति अपनी छटा दिखा रही है हमें यहाँ पे। और सामने से देखिए सूर्य देव के दर्शन हो चुके हैं, सूर्य भगवान ही प्रकाशमान हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हवाई पट्टी, तो ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर गौचर हवाई पट्टी के लिए जा रहा है, गौचर से देहरादून के लिए फ्लाइट है। जय गंगा मैया जय भगवती माँ। यह है कर्णप्रयाग संगम, तो देखिए यहाँ पे भी दो नदियों का मिलन हो रहा है, माता अलकनंदा भगवती और पिंडर नदी का जो है यहाँ पे संगम होता है। तो हम लोग पहुंचे कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग भी जो है पांच प्रयाग में से एक है,
अभी रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और अभी आगे हम जाने वाले हैं नंदप्रयाग में। तो यह है यहाँ का संगम स्थल। ये है देखो अलग अलग नदियों का ना यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो नीली वाली नदी अलकनंदा है और ये जो मटमैले रंग की है ये पिंडर नदी है। ये देखिए यहाँ से भी संगम का बहुत अच्छा विहंगम दृश्य हमें दिख रहा है। और सामने देखिए कर्णप्रयाग कितना खूबसूरत है, पहाड़ में बसा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा हिल स्टेशन, बहुत अच्छा है कर्णप्रयाग भी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है, सुबह सुबह का समय है। ये है कर्णप्रयाग पूरा एक, देखो कैसे पहाड़ी में बसा हुआ है, ऊपर देखिए कितना भयंकर पहाड़ है और नीचे देखिए कितने सारे मकान है। जय माता दी, जय माता दी। हम लोग पहुंचे हैं नंदप्रयाग में और यहाँ भी है कहीं घाट, लेकिन अभी दिख नहीं रहा मुझे। ओ कितना प्यारा फाउंटेन है, वाह वाह वाह, कितना प्यारा झरना है, कितना ऊंचा है ये। जरा अभी पीछे का व्यू देखो, यहाँ से ना नदी की इतनी तेज की आवाज आ रही है। देखो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, इतनी तेज की पीछे का व्यू देख करके ना भाई भाई। हम लोग इस वाले रेस्टोरेंट पर रुके, होम टाउन कैफे एंड रेस्टोरेंट, देखना तो अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर सब लोग निकाल रहे हैं अपने कपड़े के, क्या ठंड पड़ चुकी है। ये है मेरे भैया, देखिए फ्रेंड्स वहाँ है गोपेश्वर, कितना खूबसूरत है। और देखिए मकान, देखिए घर, देखिए कितने अच्छे अच्छे बने हैं वहाँ पे। और एकदम चोटी पे है, पहाड़ पे है एकदम से गोपेश्वर बसा हुआ। और हम लोग इधर है, हम लोग हैं चमोली में और चमोली के उस तरफ है गोपेश्वर, और इधर हम लोग पहुँच चुके हैं चमोली में। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुँचे हैं चमोली में। और अब यहाँ से कितनी दूर होगा बद्रीनाथ जी, सुनो 34 अभी 94 है, बाप रे। और यहाँ से ये है गोपेश्वर वाली रोड और हम लोग निकले हैं आगे। नीचे क्या गहरी खाई है पापा, वो सामने पहाड़ पे ना एक औरत चढ़ी हुई है, देखो ना वहाँ पहाड़ पे घास निकाल रहे हो। ये विष्णुगढ़ परियोजना है इधर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पीपल कोटी, साफ एकदम अच्छा है ये, छोटा सा कस्बा बहुत अच्छा है। हम लोग जोशीमठ पहुँचने वाले हैं, जोशीमठ से पहले रोड के हाल देखिए। बहुत जगह पे हमें ऐसे रोड मिली है, वैसे मोस्टली बहुत अच्छी रोड है, तो चार जगह पे हमें ऐसे रोड मिली है ऑफ रोड। ये सब बरसात में हुआ है, जब बारिश सीजन में इतना बड़ा पहाड़ आया। ये देखिए ये वाला पहाड़ इतने ऊपर से आ रखा है, चार धाम यात्रा, बाप रही है उस टाइम पे कैसे चली होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। अभी ये हाल है रोड के तो बिल्कुल आराम से चलो, ठीक होगी। पिछले बार बहुत बुरे हाल थे, अब तो सेट होगी ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह से दरारें पड़ी है मकानों में जब जोशीमठ दरक रहा था उस समय की है ये चिन्ह अभी तक। ये देखिए राम बेचारे कितना पूरा महा। तो ये टनल है यहाँ पे, छोटी है वो, देखो उसके ऊपर से हाँ पहाड़ आ रहा था ना तब बना है, बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा था यहाँ, इस वजह से ये टनल जैसे बनाया गया है यहाँ पे। इसकी चौड़ाई भी कितनी अच्छी है ना, जितना डाट काली माता उतनी तो आई है। सामने देखिए देवदार के वृक्ष, वाह ये देखिए फ्रेंड्स रौनक बद्रीनाथ जी की, पहाड़ खड़े ये देखो, इन ऐसे पहाड़ों के नीचे से हम लोग निकल रहे हैं। अब पहुंचे हम असली पहाड़ में, यहाँ से दिख रहे हैं पहाड़, ये देखिए बाबा कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, देखो जरा हर तरह का रूप है यहाँ पे पहाड़ों का। यहाँ देखो टूटे फूटे बिखरे हुए कहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट, पूरा टूट रहा है जो सीमेंट वाला है पूरा एरिया। उस पहाड़ पे कितनी दरार है, माय गॉड देखो। और हाँ ये देखो, और उसके ऊपर रोड है, जब टूटेगा ना तो पूरी रोड आएगी नीचे, फिर देखो जरा ई मज, इतनी जगह में कहाँ जाएंगे, यहाँ तो साइड होने के लिए भी नहीं है। ओ कितनी बड़ी मशीन जा रही है आर्मी के ट्रक में ना, माय गॉड। जय हिंद, कानवे तीन ट्रक है यहाँ पे ना, रोड बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। ये देखिए किस तरह से पहले एक साइड का निकलेगा फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। पहाड़ देखिए, पहाड़ कैसे यहाँ पे
पहाड़ यही पूरा पत्थर है, पूरा पत्थर है, माय गॉड, मिट्टी इसमें कहीं है ही नहीं। और सामने के पहाड़ देखो, कहीं नहीं, इधर के पहाड़ देखो ना, इनमें कहीं पेड़ है ही नहीं, ऊपर टॉप में पत्थर, क्योंकि पत्थर है ना सारा, मिट्टी नहीं है इसमें कहीं। यह है पुलिस चौकी हेलंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हेलंग में, और यहाँ से जो है कि बाईपास बन रहा है, फिर हमें जो है कि ऊपर हमें जोशीमठ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम नीचे बाईपास से ही निकलेंगे, वरना पहले हमें पूरा ऊपर वहाँ टॉप में चढ़ना पड़ता है जोशीमठ के लिए, और फिर डाउन पे आना पड़ता है। लेकिन जब ये हेलंग बाईपास बन जाएगा तो हमें ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ बाईपास से ही निकलेंगे, तो उतना जाम भी नहीं मिलेगा और दूरी भी थोड़ा, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। हिमालय रेंज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, देखो बादलों के बीच में हिमालय पर्वत कितना खूबसूरत लग रहा है। यह है विष्णुगढ़ परियोजना काठ गोदाम। यहाँ पे अभी रोड बनी नहीं है, यहाँ वैसे ही कंजस्टेड रोड है, पहले वाली बन रही है अभी। खैर किनारे किनारे पत्थर लगाए तो उन्होंने खोद रहे हैं ना, खुदाई चल रही है अभी थोड़ा, है ना, बाकी ठीक है थोड़ा। ये रोड जो ऊपर जा रही है ये ओली किले है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ में। तो जोशीमठ में जो है कि ये यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है, मतलब जो बद्रीनाथ धाम हम पहुंचने वाले हो तो उसका आखिरी पड़ाव जोशीमठ ही है। और यहाँ पे जो है कि आपको देखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे नरसिंह देवता जी का मंदिर भी है बहुत बड़ा, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति भी है, उनका मंदिर भी है यहाँ पे। तो जो ये जोशीमठ था, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बसाया गया एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे उन्होंने तपस्या भी की। नरसिंह देवता भगवान जी का यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। जब बद्रीनाथ धाम जी के कपाट बंद होते हैं तो उस टाइम पे बद्रीनाथ जी की जो डोली होती है नरसिंह देवता के साथ में ही उनको रखा जाता है, और यहीं से फिर कपाट जब खुलते हैं पहले दिन, तो यहीं से ही बद्रीनाथ भगवान जी की यात्रा चलती है जोशीमठ से बद्रीनाथ जी के लिए। तो अभी जो शीतकालीन कपाट बंद हो रहे हैं 18 नवंबर को बद्रीनाथ जी के, तो उनकी जो डोली आएगी यहीं पर ही आएगी, और ये हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है यहाँ पे। इसके बाद से हम सीधे बद्रीनाथ धाम जी पहुँचेंगे। तो जोशीमठ भी काफ़ी बड़ा है और हाइट पे है, बहुत हाइट पे है ये। अब इसके बाद जो हम जाएंगे, हम नीचे डाउन को जाएंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। तो ये जो है जोशीमठ में जो रास्ता उन्होंने बनाया, वन वे बनाया है, तो हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं और आते समय हम लोग ऊपर से आएंगे। ये एक बहुत अच्छा काम किया, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता और बहुत बड़ा है जोशीमठ। ये देखिए यहाँ से मैं नीचे को आपको दिखाऊँ, वो नीचे भी एक रोड जा रही है नीचे, वो पूरा जोशीमठ है इधर से, और यहाँ से भी देखिए ऊपर, देखो ऊपर से आ रही है वो रोड, है ना, तो जाते समय शायद उधर से ही जाएंगे। और यहाँ से देखिए सामने हिमालय पर्वत साफ दिख रहा है, यहाँ से जूम करके दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से तो उफ कितनी बर्फ, बर्फ के समय तो यहाँ ऐसा लगता होगा कि बाप रे हिमालय में ही पहुंच गए, मतलब हाँ ठंडा बहुत होता होगा नहीं ये पर्वत में। ये सारे जो खाली नंगे पहाड़ है ना, जब इनमें बर्फ गिर जाती है, बर्फ से ढक जाते होंगे ना, तो सच्ची में स्वर्ग, स्वर्ग में पहुंच गए। यहाँ पे है आदि शंकराचार्य महासंस्कृत महाविद्यालय, जोशीमठ में भी जो है कि संस्कृत महाविद्यालय है। इस चट्टान को देखो, चट्टान है ये कैसे खड़ी हो रखी है, देखो चट्टान है ये पूरी, बाप रे ये देखो ये चट्टान है, हाँ वही तो, उसके ऊपर मकान भी बना हुआ भाई, ये देखो यहाँ पे भी चट्टान है। तो कहते हैं ना जोशीमठ की, जोशीमठ जहाँ पे बसा हुआ उसके नीचे पहले बहुत ज्यादा पानी था, जो पानी जब सूखा है उसके बाद में इसके ऊपर जोशीमठ बसा है। तो एक बहुत जो मुख्य जो कारण था जोशीमठ में दरार आने का, कुछ समय पहले जो दरारें आई, एक मुख्य कारण यही माना जाता है कि अब शायद वो जो पानी वहाँ पे जमा था वो शायद या तो पिघलने लग गया या बहने लग गया, या नीचे चट्टाने जो है इसके नीचे पानी की जमी ही वो हिलने लग गई, इसी वजह से शायद यहाँ पे दरारें आई हैं। ये देखिए घर में देखिए किस तरह से यहाँ दरारें पड़ी है, देखिए लोग बेचारे, ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, माई गॉड पूरे घर में देखो कितनी दरारें आई हैं, देखो दीदी, मतलब मैं तो न्यूज़ में देखती थी तो इतना दुख होता था कि हमारा जोशीमठ जाने वाला है, क्या होगा कैसे होगा। और आज देखो, आज मुझे जोशीमठ में आने का सौभाग्य मिला है, आज मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी खुशी हो रही है। और ये देखो देख के दुख भी हो रहा है, सब हर घर में यहाँ दरार पड़ी हुई है, जितने घर से हम होते जा रहे हैं ऊपर पूरी दरारें पड़ी हुई हैं, अभी दिख नहीं रही होंगी ना आपको, ए राम लोग बेचारे के तो दुख हो रहा होगा लोगों को, नहीं ये देखिए कितना बड़ा है पूरे नीचे, वो ऊपर पहाड़ पे देखो तो बर्फ कैसे लग रही है भाई, मैं तो सिर्फ यही कल्पना करके मुझे इतना आनंद आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, ये पहाड़ में जब बर्फ गिरती होगी ना कितना सुंदर लगता होगा यहाँ, स्वर्ग लगता होगा। एक बार सर्दियों में आना था यार यहाँ देखने के लिए वही तो रास्ते बंद हो जाता, मैं वही तो बोल रही हूँ, माई गॉड, मतलब अपना भी अपने में ही सोचने में ही लग रहा है कि पता नहीं कैसा लगता होगा यार सर्दियों में पहाड़ों पे जब बर्फ गिरती है तो, सामने पहाड़ चढ़ के हम ना लगा लो, वही तो बहुत बड़ा है जोशीमठ यार, बहुत बड़ा। वो सामने देखो पहाड़ पे कितनी बर्फ गिरी हुई है,
ओह इन घरों में कितनी दरारें पड़ी हुई हैं। ये देखो हाँ इस घर को देखिए, वही तो पुराने जमाने का मकान देखो, सुरान से पुराने जमाने के घर बेटा देखो। ये तीन सेटल यहाँ ना खच्चर रहते हैं, यहाँ देखो सारा गोबर उबर पड़ा हुआ गाय भैंस। ये है यहाँ का महाविद्यालय शोमा ज्योतिर्गम, बहुत बड़ा है जोशीमठ, बहुत बड़ा है भाई, पूरे पहाड़ में ऊपर तक बिल्डिंगे भी लोगों ने खूब बना रखी भाई, बड़े बड़े ऊंची ऊंची। ओ जय नरसिंह देव भगवान। नहीं पर नहीं 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 व्हाइट कलर नहीं है उनके मंदिर का, वो नीचे जय नरसिंह देव का, जय नरसिंह देव। ये है तो एक मिनट जूम करके देखो, तो ये है फ्रेंड्स ये नरसिंह देवता का मंदिर है जहाँ पे कि अब सर्दियों में बद्रीनाथ जी की डोली आती है। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। चलो दर्शन तो हो गए यार, इतना भी कर लिया बहुत है, मैं तो बोल रही पता नहीं कहाँ होंगे नरसिंह देवता भगवान। ये देखो ये है मंदिर, ये है नरसिंह देवता का मंदिर, कितना बड़ा मंदिर है देखो। जय हो भगवान नरसिंह देवता। यहाँ पे वासुदेव मंदिर भी है और दुर्गा मंदिर भी है, नरसिंह देवता का मंदिर भी है, वो है देखिए नीचे मंदिर। जय नरसिंह, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा भाई, और इसकी वास्तुकला इसका जो डिजाइन है ना बिल्कुल पुराना उसका उसका है। ये हॉस्पिटल की दीवार है, यहाँ पे भी दरारें आ रखी हैं। तो ये विष्णु प्रयाग प्रोजेक्ट फिर से यहाँ पे आ चुका है, जेपी वालों का है, जेपीवीएल। तीन विष्णु प्रयाग परियोजनाएं हैं, एक धौली गंगा, एक तपोवन और एक जेपीवीएल। तो ये जो है ये जोशीमठ में है, अच्छा यहाँ सब दोनों हो गए एक साथ। जय अलकनंदा माँ। कितना बड़ा ये पहाड़ है और पहाड़ का रंग देखो जरा, काला काला पूरा हो रखा है, और इनकी हाइट देखोगे ना, ये देखिए कितनी हाइट है इन पहाड़ों की, बाबा बाबा। तो घाटी देखो बीच में बिल्कुल सिर्फ घाटी घाटी दिख रही है ना, उस तरह से बिल्कुल वैली वैली दिख रही थी। देखो सामने दूर देखो वहाँ पूरी वैली दिख रही है। तो अभी हम पहुंचे हैं गोविंद घाट में, और ये नीचे जो रास्ता जा रहा है ये वाला, ये है फूलों की घाटी के लिए जाने वाला रास्ता। तो सामने देखिए वो रोड जा रही है ना, वो फूलों की घाटी के लिए जा रही वाली रोड। फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं पांडुकेश्वर में, और पांडुकेश्वर में भी जो है कि योग बद्री भगवान जी का मंदिर है। पांच बद्री है ना, योग बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री और बद्रीनाथ जी, एक बद्री भगवान जी यहाँ पर है पांडुकेश्वर में।